मैं हूँ रूपा और आज मैं आ गई हूँ ट्रेस्मी हेयर फॉल डिफेंस विथ केराटिन प्रोटीन शैम्पू का ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आए, यूजफुल लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फर्स्ट में दिखा देते हैं आज का प्रोडक्ट। आज मेरे हाथों में है ट्रेस्मी यूज्ड बाय प्रोफेशनल हेयर फॉल डिफेंस विथ केराटिन प्रोटीन प्रो कलेक्शन शैम्पू। देखिए ये 340 ml का पैक है और इसका प्राइस है बस 265 रुपीस। तो प्राइस के हिसाब से ये एकदम अफोर्डेबल प्राइस में ही है, साथ ही साथ फ्लिप टॉप पैक में है, ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है, ट्रैवल करने का टाइम लीकेज होने का चांसेस एकदम भी नहीं है। और अभी आ जाती हूँ प्रोडक्ट के बारे में बातें करने। देखिए हेयर फॉल एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर एक उम्र में आ रहे हैं, हर सीजन में रह रहे हैं और साथ ही साथ ये हमारे हेडेक भी बन गए हैं, क्योंकि कभी कभी इतना ज्यादा हेयर फॉल होते हैं कि सोचती रहती हूँ कि गंजी तो नहीं हो जाऊंगी ना। तो इस टाइम में आप लोग ये शैम्पू यूज कर सकते हो। ये प्रो कलेक्शन है यानी कि प्रोफेशनल यूज करते हैं, तो प्रोफेशनल अगर कुछ सजेस्ट करते हैं वो हमारे लिए ऑल टाइम बेनिफिशियल होते हैं। सेम तरीके से ये शैम्पू भी आपके हेयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इस जगह पे एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, देखिए अगर एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहे हैं तो बस शैम्पू इनाफ नहीं है, लेकिन अगर बहुत ही कम बाल झड़ रहे हैं या फिर हेयर का केयर करना चाहते हो तो आप लोग ये शैम्पू को ट्राई करके देख सकते हो। और ऊपर में क्लेम किया है कि इसके अंदर केराटिन प्रोटीन है। जैसे कि हमें पता ही है प्रोटीन हमारे हेयर को स्ट्रांग बनाते हैं, हेयर को लॉन्ग बनाने में मदद करते हैं, साथ ही साथ हेयर के रूट को स्ट्रांग बनाते हैं। केराटिन हमारे हेयर को प्रोटेक्ट करते हैं बाहर का धूल मिट्टी पॉल्यूशन प्लस साथ ही साथ सनरेज से। सनरेज भी आजकल हेयर फॉल के कारण बन गए हैं। तो अगर एक शैम्पू के अंदर केराटिन प्रोटीन है तो हेयर रहते हैं पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड और हेयर ग्रोथ में भी हेल्प होते हैं, साथ ही साथ हेयर फॉल भी कम हो जाते हैं। जैसे ऊपर में लिखा है अप टू 97% लेस हेयर ब्रेकेज आफ्टर वन वॉश। हाँ, रिजल्ट आप लोगों को आफ्टर वन वॉश से ही दिखाई देगी, लेकिन अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो बस शैम्पू इनफ नहीं है, या फिर ऐसा सिचुएशन हो गए है कि चारों तरफ बाल दिखाई दे रहे हैं उस टाइम के लिए शैम्पू इनफ नहीं है। चलिए ऊपर में क्या क्या क्लेम किया है बता देती हूँ, उसके बाद बेनिफिट्स बता देती हूँ। हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू, आवर हेयर फॉल डिफेंस सिस्टम एनरिच्ड विथ केराटिन रेनफोर्स योर हेयर स्ट्रेंथ एंड प्रिवेंट्स हेयर फॉल ड्यू टू ब्रेकेज, गेट लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर हेयर। केराटिन प्रोटीन है तो हेयर को लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगी, ये तो फर्स्ट पॉइंट है ही बेनिफिट्स के। सेकेंड, हेयर को स्मूथ रखते हैं। अगर हेयर बहुत ही कम है तो ये शैम्पू ट्राई कर सकते हो, ये हेयर को बाउंसी रखते हैं, हेयर को सिल्की बनाते हैं, सॉफ्ट स्मूथ रखते हैं, साथ ही साथ स्कैल्प को क्लीन क्लियर फ्रेश रखते हैं। और ये शैम्पू यूज करने से हेयर में एक शाइन भी आ जाते हैं। हाँ, ट्रस्मी के हर एक शैम्पू यूज करने से हेयर में शाइन आते हैं, सेम तरीके से ये शैम्पू यूज करने से भी हेयर में शाइन आ जाते हैं। तो एक शैम्पू अगर हेयर को नरिश्ड मॉइस्चराइज रखते हैं, हेयर को सॉफ्ट सिल्की शाइनी बना रहे हैं, साथ ही साथ हेयर फॉल को कम कर रहे हैं, हेयर को लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, तो और क्या चाहिए। मेरी तो ख्वाहिश इतना ही रहते हैं, क्योंकि आजकल के दिन में हेयर लॉन्ग है या फिर शॉर्ट है ये बड़ा बात नहीं है। अगर हेयर सॉफ्ट सिल्की शाइनी बाउंसी मैनेजेबल है तो वो हेयर देखने में लग्जरियस लगते हैं और आपके लुक भी हो जाते हैं पूरा का पूरा गॉर्जियस। तो ये शैम्पू ये सारे काम करते हैं, आप लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हो। और इसका छोटू वाला पैक भी मार्केट में अवेलेबल है, ट्राई करने के लिए आप लोग ट्राई करके देख सकते हो। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि हेयर में ऑयल लगाना पसंद करते हैं और उस टाइम में बहुत सारा शैम्पू काम नहीं करते हैं, लेकिन ये शैम्पू अगर हेयर में ऑयल भी है तो भी थोड़ा क्वांटिटी से ही हेयर को अच्छे से क्लीन कर देते हैं, ये सबसे बड़ा बात है, क्योंकि ज्यादा शैम्पू यूज करना भी हेयर के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। और अभी बता देती हूँ कि डेली शैम्पू करना चाहिए या नहीं। देखिए मेरे हिसाब से तो डेली शैम्पू करना चाहिए, क्योंकि हेयर केयर का फर्स्ट स्टेप है हेयर को क्लीन क्लियर फ्रेश रखना और उसके लिए शैम्पू बहुत ही जरूरी होते हैं। लेकिन अगर आप लोग बाहर नहीं जाते हो, क्लेम करते हो कभी कभी कि घर में ही रहती हूँ, डेली शैम्पू पॉसिबल नहीं है, तो दो दिन बाद या फिर एवरी ऑल्टरनेटिव डे पे शैम्पू जरूर अप्लाई कीजिए। और शैम्पू करने का टाइम बालों को ऐसा सीधा ही रहने दीजिए, ऐसे उल्टी करके शैम्पू करने से हेयर फॉल का प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, तो सीधा रख के शैम्पू कीजिए। और शैम्पू करने का टाइम एक मग के अंदर पानी ले लीजिए, उसमें ले लीजिए शैम्पू जितना क्वांटिटी चाहिए
और उसके बाद फोम क्रिएट कर लीजिए, उससे हेयर को धोइए, क्योंकि डायरेक्ट शैम्पू स्कैल्प में देने से हेयर फॉल का प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। मैं जो करती हूँ, मेरी जो खुद की ओपिनियन है वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और साथ ही साथ मेरी आज की ये ट्रेसमी यूज्ड बाय प्रोफेशनल हेयर फॉल डिफेंस केराटिन प्रोटीन प्रो कलेक्शन शैम्पू का रिव्यू इतना ही। ये शैम्पू क्रीम बेस है एकदम, इसका जो एरोमा है बहुत ही पसंद आया है मेरे को, आप लोगों को भी शायद पसंद आ जाएगी। और आप लोग रोज दिन वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर जरा सा भी मदद मिले है या फिर कुछ भूल है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आप लोगों के हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।